देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राष्ट्रीय देव भूमि पार्टी की ओर से सुशील भृगु को पक्षास उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा गया है और देव भूमि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने उम्मीदवार का यहां स्वागत किया और पार्टी हाईकमान का धन्यवाद किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पक्षात विधानसभा क्षेत्र में आजादी के 70 सालों के बाद भी पक्षात में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। यहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर जनता उन्हें आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजती है तो वे पक्षात विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी की प्राथमिकता गिनवाई। जाति पाति रहित आर्थिक आधार पर प्रत्येक वर्ग को एक समान अधिकार, संवैधानिक स्वर्ण आयोग का गठन, नई खेल नीति, नई पर्यटन नीति, किसानों और बागवानों के लिए अनेक योजनाएं, निजी परिवहन नीति का गठन, मंदिर ट्रस्ट नीति का गठन, फिल्म सिटी की स्थापना, उनकी पार्टी के विधायक पेंशन नहीं लेंगे, नशे की समस्या से निपटने के लिए विशेष नीति बनाई जाएगी। इसके साथ साथ देवभूमि जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा और जिला प्रवक्ता रणदेव सिंह ने भी पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और पार्टी हाईकमान का सुशील भृगु को पार्टी उम्मीदवार बनाने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सिरमौर की बाकी बची 4 सीटों से भी जल्द ही अपने उम्मीदवार जल्द मैदान में उतारे जाएंगे और पक्षात विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान आरंभ कर दिया जाएगा। राजगढ़ से हमारे संवाददाता जी डी शर्मा की रिपोर्ट। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जो है अस्तित्व में आ चुकी है और पार्टी ने जो है मुझे जिम्मेवारी सौंपी है पछाद मंडल के लिए। और मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, इसके पिछले जो संघर्ष हुआ है, स्वर्ण मोर्चा और स्वर संगठन से जो है ये पार्टी बनी है। और स्वर्ण जो मोर्चा था, संगठन था, इन्होंने बहुत संघर्ष किया था, बड़े आंदोलन किए थे अपनी मांगों को लेकर, आयोग को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है मांगे नहीं मानी गई। और अब जो है जो ये संगठन ने जो है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जो है उसका जो निर्माण कर लिया है और ये पार्टी जो है अब जो है राजनीतिक पार्टी के रूप में आगे बढ़ रही है और पूरे प्रदेश में जो है ये पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। और दूसरी बात जो है, जो इस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री रमेश सिंह ठाकुर जी ने जो है मुझे ये जो मौका दिया है पछाद मंडल के लिए, तो मैं जहां राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और समस्त कार्यकर्ताओं का करता हूं और विशेषकर जो रमेश सिंह ठाकुर जी का बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर जो है विश्वास किया है। क्योंकि मैं जो है बड़े समय से जो है स्वर्ण संगठन के साथ, स्वर्ण मोर्चा के साथ जुड़ा था आंदोलन में और प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से मैं इनके साथ था और एक जिम्मेवारी और सौंप दिए हैं संगठन ने मेरे पास, तो मैं पूर्ण जो है आश्वासन देता हूं कि बड़े ईमानदारी के साथ और बड़े लगन के साथ जो है मैं आगे बढ़ता रहूंगा और पछाद की जनता की जो है सेवा करता रहूंगा। और आप सब जानते हैं कि हमारे पछाड़ क्षेत्र के जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर जो है काम करने की बहुत आवश्यकता है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, सड़कों का है और बहुत सारी हमारी समस्याएं हैं। विशेषकर जो एक बात पार्टी जिस उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रही है वह समानता की बात है, जिसमें जो है सभी वर्गों को जो है समान रूप से जो है उसमें उनको लाभ मिलने की जरूरत है। तो जो भी जिस तरह से समानता के साथ आगे बढ़ रही है ये पार्टी, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि लोगों का भी इसमें समर्थन मिलता जा रहा है और पार्टी इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेगी और विजयी भी होगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।